गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शनिवार को पहुंचे पटना। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अमित शाह का किया भव्य स्वागत। इसके बाद अमित शाह ने होटल मौर्य में पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी MLC संजय मयूख, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता बैठक में हुए शामिल। स्थानीय घटना के चलते अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम हुआ रद्द। सूबे के हालत को लेकर अमित शाह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया है, जिसमें CRPF, SSB और ITBP के जवान शामिल हैं। रोहतास जिले के सासाराम में रामनवमी के बाद बिगड़े सांप्रदायिक माहौल के बीच शनिवार की रात हुआ बम ब्लास्ट। घटना के बाद मची इलाके में अफरा तफरी। हादसे में 6 लोग हुए जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। DM ने की विस्फोट होने की पुष्टि। जिले में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। इलाके में धारा 144 लागू। पुलिस प्रशासन ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। ये जो अफवाह उड़ाई गई थी कि किसी मस्जिद पे नमाज के दौरान किसी धार्मिक स्थल पे जो है बॉम्ब फेंका गया, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है, कैसी कहीं कोई वारदात नहीं हुई है। ये जगह आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जो इम्पैक्ट जो एक्सप्लोसिव्स के हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, और मेडिकल में भी हम लोगों को एक प्रारंभिक संकेत मिले हैं कि नेचर ऑफ इंजरी जो है वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, और बाकी हम लोग डिटेल जो है हम लोग को रिपोर्ट मिलने पर पता लग जाएगा। बिहार शरीफ और सासाराम में शांतिपूर्ण स्थिति। पुलिस प्रशासन ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन ने मांगा सहयोग। पुलिस द्वारा हिंसा में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर लगातार गिरफ्तारी और छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है निगरानी। अब तक कुल 77 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नवादा। सम्राट अशोक की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण। हिसुआ में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। नीतीश तेजस्वी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिहार में जंगल राज फिर से लौट आया है। नीतीश जी बिहार की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शाह ने किया बड़ा दावा। कहा, बिहार की सारी 40 सीटों पर कमल खिलेगा। सासाराम में हिंसक झड़प के बाद 4 अप्रैल तक जिले के सभी स्कूल और कोचिंग हुए बंद। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश किया जारी। सासाराम के DIG ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में तनाव की स्थिति पर काबू पा लिया गया है और अब शहर में शांति है। हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार पुलिस की गश्त की जा रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। नालंदा और सासाराम में हुए हिंसा को लेकर अब बिहार की राजनीति भी गरमाने लगी है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, बंगाल के रास्ते पर अब बिहार है। नालंदा में सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है हमला। नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार की तरह उनके अधिकारी भी पलटू राम है। बंगाल के रास्ते पर बिहार चल पड़ा। अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने 21,000 करोड़ से अधिक टैक्स कलेक्शन कर बनाया रिकॉर्ड। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 114% की प्राप्ति की है। GST कर प्रणाली के लागू होने के बाद 5 वर्ष तक ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कंपनसेशन का भुगतान किया जाना था, जो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में ही समाप्त हो गया। यानी 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कंपनसेशन का भुगतान बंद कर दिया गया, फिर भी वाणिज्य कर विभाग में ये उपलब्धि हासिल की है। रांची के नगर निगम ने लालपुर कोकर सड़क के किनारे सब्जी दुकानें लगाने वालों, मांस मछली विक्रेताओं को डिस्टिलरी पुल के नीचे लालपुर वेंडर मार्केट में किया गया शिफ्ट। नगर निगम कार्यालय मछली विक्रेताओं को चबूतरा करेगा आवंटन। 1 अप्रैल को निगम ने इन सभी अनुशंसित विक्रेताओं को आधार कार्ड एवं सर्वेक्षण पावती के साथ लॉटरी सिस्टम में भाग लेने को निगम कार्यालय बुलाया था। प्रक्रिया हुई पूरी। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में ऐतिहासिक बंशीधर महोत्सव का आगाज। 8 और 9 अप्रैल को महोत्सव का होगा आयोजन। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम इस ऐतिहासिक महोत्सव में लोगों को कर रहे आमंत्रित।